वेलकम बैक टू अवर चैनल द दिवजीत व्लॉग्स। सो किस किस को छोले भटूरे खाने हैं बताओ बताओ, कमेंट करो जल्दी से जिसको छोले भटूरे खाने हैं। सो ये व्लॉग पूरा आपके लिए छोले भटूरे की रेसिपी, और बहुत टेस्टी बहुत यमी इस तरीके से बनाओगे तो बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनेंगे, और आपके भटूरे बिल्कुल आपके पेट की तरह बन जाएंगे। ज्यादा नहीं खाना पर कम कम खाना, और देखते रहो इसकी रेसिपी। स्टे ट्यून्ड। तो शुरुआत करते हैं छोले भटूरे बनाने के लिए। यहाँ पे मैं ईस्ट को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखूंगी, तो मैंने ईस्ट, शुगर एंड लिटल बिट सॉल्ट को एक ग्लास में गुनगुने दूध में, हाफ गुनगुना दूध और हाफ पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। नोट डाउन, प्लीज गरम दूध रखिए और गरम पानी हो, अदरवाइज ईस्ट आपकी फुल के नहीं आएगी। ईस्ट का मेन यही है कि जब तक फूले ना तब तक वो ईस्ट अच्छे से आपका आटा नहीं गूंदेगा। तो यहाँ मैंने ले लिया फुल 1 kg मैदा, उसमें मिलाई मैंने थोड़ी सी सूजी। ये देखिए बाउल में मैंने ले लिया है, और खुला बाउल लेना क्योंकि खुले बाउल से मतलब तो ये क्या है, आटा बाउल लेना। सूजी ले लिया मैंने, और पिंच ऑफ नमक यहाँ पे थोड़ा सा और डालेंगे। जब तक हमारी ये जो ईस्ट रेस्ट आउट होके हो गई है, जो राइस कर गई है वो भी उसी से आटा हम गूंदेंगे, उतना बहुत होता है हमें। अब डालूंगी मैं दही, दही से भी अच्छा फूल जाती है बेसन। मेन जो खमीर भी होता है ना, आप ईस्ट नहीं डालो रात को दही में, आप आटा गूंद के रखोगे तो बहुत अच्छा खमीर उठता है इसमें। और यहाँ पे मेरी ईस्ट प्रॉपर फूल चुकी है, तो अब मैं इसी से आटा गूंदूंगी, और आटा आपको टाइट गूंदना है, ढीला ढीला नहीं, अदरवाइज आपके भटूरे भी फट जाएंगे और बनेंगे भी नहीं भटूरे। तो यहाँ पे मैं टाइट टाइट आटा गूंदूंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डाला है, आप लोग देसी घी से भी कर सकते हैं, मैं पर रिफाइंड से यूज कर रही हूँ, तो रिफाइंड करा है मैंने। ये मूंगफली का तेल है, और ये आप अच्छे से आटा गूंद जाएगा। देखो अब इसको आटे को, इसको कहते हैं पीटना, आटे को उछालते हैं आटे को हम अच्छे से। आपको भटूरे अच्छे फुलफुले चाहिए तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, नीडिंग। जितना आपका मैदा नीड होगा अच्छे से, उतने ही अच्छे भटूरे बनेंगे आपके। इट टेक्स 5 to 10 minutes टू नीड दी मैदा। अच्छे से हम मैदा नीड करके ऑयल लगा के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे। गीले कपड़े से ढकने का मतलब यही होता है कि आपका जो आटे के ऊपर एक परत जम जाती है वो नहीं जमेगी, और आपको इसको थोड़ी देर एक गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, और आटे को आपको नीचे से ऐसे बेस बना के रखना, कभी आपका आटे मतलब भटूरे बनाओगे तो टूटेंगे नहीं। छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 से 3 तेजपत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, ये हरी मिर्च और अदरक के जूलियंस। मैं ये बाद में यूज़ करूँगी अदरक के जूलियंस तड़के में, और अभी हम तड़का लगाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज जो मैंने 3 प्याज लिए हैं, और छोले लिए मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है छोले, और 6 टमाटर, उसमें मैंने अनारदाना डाल के इसको पीसा है, थोड़ा सा जो ब्राउन कलर आ जाता है इससे भी आ जाता है। अभी हम पहले मसाला बना लेते हैं छोले का। मैंने ऑयल में डाल दिया है हींग और जीरा, तेजपत्ते और मोटी इलायची और दालचीनी, थोड़ी सी डालेंगे 1-2 हरी मिर्च और अदरक के जूलियन, बाकी तड़के के लिए यूज़ करेंगे हम। डालेंगे प्याज, इसको ब्राउन होने देंगे मसाले को। मीन टाइम हम डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी, दैट्स इट, देगी मिर्च, आप मिर्च जितनी मर्जी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैं कम डालती हूँ तो मैं कम ही डाल रही हूँ, और धनिया का मेन रोल है छोलों में।
धनिया बहुत अच्छा लगता है छोलों में, और इसे थोड़ा ब्राउन कलर भी आ जाता है छोलों का। डालने के लिए मैं डाल रही हूँ उसमें दालचीनी, थोड़ा सा आंवला, आप पोटली में बंद करके डाल सकते हैं, मसलिन क्लॉथ में लौंग, काली मिर्च। और इसमें मैंने छोला मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया है उबालते समय, और लिटिल बिट नमक भी डाल दिया है कि नमक सारे छोलों में आ जाए। और यहाँ पे भी मसाले में मैं नमक डाल दूंगी, हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है तो इस टाइम पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि अच्छे से टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए, और बहुत टेस्टी छोले बनते हैं, और आपको पूरे बाजारी वाले छोले लगेंगे ऐसे बनाओगे तो। और अच्छे से अब हम इसको मसाले को भी पका लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला थोड़ा बहुत भून चुका है, कच्चा पन निकल चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने डाल रही हूँ SDS का चना मसाला, छोले मसाला। तो आधा किलो छोले में इसके ऐसे दो पाउच मिलते हैं, तो मैं एक पाउच पूरा डाल दूंगी इसके अंदर छोले में। मैंने छोले मसाले डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ता अपना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डाल दूंगी थोड़ा एक छोटी इलायची टेस्ट को एनहांस करने के लिए, ज़्यादा हमें इलायची का टेस्ट नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी इलायची डाली है मैंने। बस अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को जब तक तेल नहीं छोड़ेगा। जब तक हमारे छोले हो रहे हैं हम मसाले का देख लेते हैं। मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मसाला ऑलमोस्ट डन है, अब बस छोले की वेट करेंगे और फिर हम छोले मिक्स करेंगे इसके अंदर। और फिर जो हमने अदरक और हरी मिर्च कट करी थी इसका तड़का लगाएंगे छोले बनने के बाद, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ ऑलमोस्ट मसाला अच्छे से हो चुका है, अब ये जो छोले उबले हुए हैं इसमें थोड़ी सी हमने जो ब्राउनिश कलर देख रहे हैं आंवले की वजह से आया है काला रंग ब्राउनिश सा छोलों में, और अब ये सारे छोले मसाले में डाल देंगे। मसाले और जो पानी है थोड़ा सा बेस्ट करके, अब ये सारा पानी गल चुका है हमारा, अब इसको हम अच्छे से उबालेंगे छोलों को। छोलों को इतना मत उबालना कि बिल्कुल मच जाए, थोड़े खड़े खड़े रहें, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब पकाते हैं उसमें भी छोले आधे पक जाते हैं तरी में, तो अभी ये छोले आराम से आधा पौना घंटा पकते हैं, आधा घंटा तो एटलीस्ट आप पकाइए। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब हम छोले का तड़का बना लेते हैं। तेल में घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा घी लेती हूँ यहाँ पे। और इसमें देगी मिर्च डालूंगी एक कलर के लिए, और अदरक के जूलियन और हरी मिर्च, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये तड़के का छोलों के अंदर, बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। मेनली जो एक कलर आता है ना ऊपर छोलों पे, तो ये इस तड़के का आता है, बहुत अच्छा लगता है ये तड़का छोलों पे। यहाँ पे हो गया है मसाला भुन चुका है हमारा, अब ये हम छोलों में तड़का लगा देंगे ये वाला। ऑलमोस्ट हमारे छोले रेडी हैं, सारी ये तरी के साथ भी देखो क्या क्रिंकल आवाज आ रही है ना, मजा आ जाता है ये तड़के का। मेन तो मुझे मजा आता है छोलों में, ये जब तक तड़का लग जाए ना तभी छोले खाने का मजा, अदरवाइज नहीं खाने का मजा। अब थोड़ी देर ढक के रख देंगे इसको हम छोलों को। अब हम बनाते हैं आलू। मैंने आलू को कट करके, ये दो आलू हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हैं, बट वो जो आलू छोलों के ऊपर मिलते हैं वही बना रहे हैं। आलू को फ्राई करा है, आप बॉयल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई करा है, और यहाँ पे मैंने ले लिया अचार मसाला थोड़ा सा तेल में, और एक हरी मिर्च। इन आलू को फ्राई करे हुए आलू को तड़का लगाएंगे, अचारी तड़का जो चार चांद लगा देगा छोलों के अंदर। और इनको अच्छे से इसके अंदर तेल के अंदर फ्राई करेंगे, और जो मैंने अनियन गोल गोल कट करके रखे थे सैलेड के लिए भी और वैसे भी, तो ये हम थोड़े से आलू में मिक्स कर देंगे एक फ्लेवर के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं ना आलू का एक रंग अचारी, और मैं बता नहीं सकती क्या खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी अरोमा, अच्छा खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को, और थोड़ी देर इसको भी ढक के रख देंगे।
ये देखिए हमारे आलू हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब डाल देंगे धनिया। धनिया तो मेरा बहुत फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है बताना ज़रूर, कमेंट इट एंड टेल मी कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी है नहीं करी है। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैलेड। सैलेड में मैंने यूज़ करा है खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च लंबी लंबी। तो घर में किसी ने प्याज नहीं खाना तो मैंने अलग सैलेड बना रही हूँ, किसी ने खाना है तो उसके साथ प्याज वाली बन रही है। और यहाँ मैंने आम का अचार और हरी मिर्च, इसमें ना मतलब अचार दोनों मिक्स करोगे ना, कोई भी आपके पास घर पे अचार पड़ा हुआ है मिक्स करना, आपको बाजारी सैलेड मिलेगी, बहुत टेस्टी सैलेड बनती है ये वाली। और मेरे पास हरी चटनी थी थोड़ी सी तो मैंने डाल दी, मतलब क्या बोलूं, मतलब मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है इसको एडिट करते हुए भी। और नींबू इज मस्ट इन सैलेड, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना सैलेड को, और बहुत टेस्टी बाजारी सैलेड आपको मिल जाएगी, जो ठेले वाले पे भी मिलती है और छोले भटूरे के साथ भी मिलती है, वो ऐसी ही सैलेड बनती है। सो आप ये बनाना, ट्राई करना ये सैलेड, आप किसी चीज के भी साथ बना सकते हो ऐसी सैलेड, पाव भाजी बनाओ, छोले पूरी बनाओ, भटूरे बनाओ, कुछ भी, दाल मखनी बनाओ, शाही पनीर बनाओ, सबके साथ ये सैलेड चलती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में ये सैलेड। तो अब भटूरे की बारी। हमारा ये देखो ईस्ट उठ चुकी है आटे में, आटा डबल हो चुका है हमारा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अब ऑयल लेके आटे को फिर से एक बारी पीटेंगे अच्छे से हम। अच्छे से पीटने के बाद एक बारी फिर नीडिंग करेंगे। आपको फूले फूले भटूरे चाहिए, बहुत अच्छे चाहिए, तो इनको नीडिंग इज मस्ट। तो जितनी नीड उतने अच्छे भटूरे। अब हम इसको अच्छे से नीड करके फोल्ड करेंगे और थोड़े से प्लेट में ऑयल लगा लेंगे और ऐसे ही गोल गोल हम बना के रखेंगे। और मैं बताती हूँ इसकी लोई कैसे बनती है गोल। तो लोई हम इसको गोल लेके और इनर फोल्ड करते हैं। इनर फोल्ड इसलिए करते हैं कि हमारे भटूरे में कोई भी लाइन ना आए, कोई भी भटूरा फटे ना। और मैं आपको भटूरे भी आगे तल के दिखाऊंगी कि कोई भटूरा फटेगा नहीं ऐसे आपका, ऐसे इनर आप इसको फोल्ड करते हैं। तो ये लोई बन चुकी है, ऐसी सारी हम लोई बना के फिर हम भटूरे बनाते हैं। यहाँ आई हमारी छोलों की बारी, तो छोलों की प्लेटिंग करते हैं। देखिए क्या टेम्पटिंग छोले लग रहे हैं ना, यम्मी यम्मी छोले। तो यहाँ हम प्लेटिंग करते हैं छोलों की अच्छे से। और छोलों का टेक्सचर देखिए, क्या अच्छा टेक्सचर आया है छोलों का। और खुशबू तो मैं बता नहीं सकती, क्या अरोमा, क्या खुशबू है इसकी। यहाँ पे हमारे छोले डल गए। जो हमने अचारी आलू डाले थे, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए यहाँ पे डाल देंगे छोलों के ऊपर, थोड़े रख लेंगे, जिसने लेने हैं वो साथ साथ ले सकते हैं। अदरवाइज में डाल देते हैं तो थोड़े पिलपिले हो जाते हैं, वैसे खड़े खड़े रहते हैं ये आलू। और थोड़ा हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे। धनिया इज मस्ट, मतलब सब्जी की जान है ये हरा धनिया। मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल होता है ये धनिया, धनिया के बिना मुझे मजा ही नहीं आता है सब्जी का। और थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज फॉर गार्निशिंग। बहुत लग रहे हैं ना टेम्पटिंग छोले, बहुत टेस्टी टेस्टी। सो अब हम भटूरे बेलते हैं। भटूरों को हम लंबा भी बेल सकते हैं और गोल भी बेल सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी शेप बेल लीजिए, मैं थोड़ा सा लंबा बेल रही हूँ भटूरों को। तो यहाँ पे हमारा भटूरा बिल चुका है। अब हमने कढ़ाई में डाल दिया। ये देखिए कैसे फूल रहा है ना भटूरा, मतलब आप ये देख रहे हो, भटूरे की पहचान ही यही है कि अपने आप मुड़ जाए, मतलब रोल हो जाए ना भटूरा, तो आपका बेस्ट भटूरा बना है ये। और क्या ईस्ट उठ के आई है इसमें, क्या भटूरा फूल के आया है देखिए, यम्मीस्ट। Nice. अच्छे हैं पक्का, ये ऐसे ही बोल रहा है, बहुत बना सही में। चलो गुड। होप आपको छोले भटूरे की रेसिपी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दिवजीत व्लॉग्स।
डू सपोर्ट अस एंड ट्राई दिस रेसिपी एंड कमेंट मी बिलो। बाय।